एक्सप्लेन वीडियोस पूरे इंडस्ट्री में बहुत ही इस्तेमाल होते हैं, पर इतना क्यों इस्तेमाल होते हैं? है, मैं हूं रुचा अमरकर फ्रॉम एनिमेशन प्लैनेट और आज हम बात करेंगे एक्सप्लेनर वीडियोस के बारे में। क्या होते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस, उन्हें कैसे बनाते हैं और कहां इस्तेमाल करते हैं? तो एक्सप्लेनर वीडियोस होते क्या है? आसान शब्दों में एक्सप्लेनर वीडियोस ऐसे वीडियोस है जो आपके प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस के बारे में बड़े ही कम समय में और आसान भाषा में बताता है। आपके बिजनेस करता क्या है और उसके क्या वैल्यूज है, ये वो वीडियोस बताता है। एक्सप्लेनर वीडियो बहुत इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, मगर इतना क्यों इस्तेमाल होता है? दो कारण। पहला, वो बहुत ही छोटा होता है और बड़े आसान शब्दों में होता है, और दूसरा, मार्केटर्स और कस्टमर्स उसे बड़े आसानी से समझ पाते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक्सप्लेनर वीडियो होता क्या है और उसे इतना क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं कि उसे बनाते कैसे हैं। पहला, प्री प्रोडक्शन पार्ट। प्री प्रोडक्शन में हम पहले सबसे पहले रिसर्च करते हैं पूरे बिजनेस का, कि बिजनेस होता क्या है, करते क्या है वो, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विसेज क्या है, ये सब पूरा रिसर्च करके हम अपने डेटा बैंक में जमा करते हैं। फिर हम जानते हैं कि उनका टारगेट कस्टमर कौन है और वो टारगेट कस्टमर कौन सी भाषा समझता है। जब ये पूरा रिसर्च हो जाता है तब हमें आइडिया आ जाता है कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, एनिमेशंस कैसे करने हैं, उनका टारगेट मार्केट क्या है और ये वीडियो कहाँ अपलोड करना है। प्री प्रोडक्शन के बाद आते हैं प्रोडक्शन पार्ट पे। प्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखते वक्त हम ये समझते हैं कि इसकी टोनालिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस एक B2C बिजनेस है तो ये लॉजिकल है कि आप यूज करें कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। शब्द जैसे यू, योर, ओके, यस वाला अच्छे है इस्तेमाल करने के लिए। अब आते हैं स्टोरी बोर्ड पार्ट पे। स्टोरी बोर्ड में स्क्रिप्ट के अनुसार हम रफ स्केचेस बनाते हैं, बहुत ही रफ स्केचेस। यहाँ पे हमें पता लगता है कि वीडियो का फ्लो क्या है, क्या कैमरा एंगल्स यूज करने हैं और कैसे कैरेक्टर्स डिजाइन करने हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप स्क्रिप्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं। जब स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड दोनों फाइनलाइज हो जाता है तब हम आते हैं कलर स्टोरी बोर्ड पार्ट में, यानी कि स्टाइल फ्रेम्स पार्ट में। यहाँ पे आप कैरेक्टर्स डिजाइन करते हैं, पूरा ग्राफिक टेम्पलेट डिजाइन करते हैं, क्या कलर्स होंगे, क्या कलर पैलेट होंगे, ये डिसाइड करते हैं, और साथ ही में स्क्रिप्ट जो है वो वॉइस ओवर के लिए भेज देते हैं। जैसे आपके स्टाइल फ्रेम्स फाइनलाइज हो जाए तब आते हैं एनिमेशन पार्ट पे। एनिमेशन में अब आपके पास पूरा ग्राफिक टेम्पलेट रेडी है और इसे सिर्फ आपको एनिमेट करना है। आपका वॉइस ओवर लीजिए और इसको टाइमिंग के हिसाब से एनिमेट कीजिए। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं म्यूजिक। म्यूजिक के साथ आप थोड़ा सा साउंड इफेक्ट भी ऐड कीजिए ताकि उसको एक अलग सा पंच मिले। इसके बाद आप कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, कैप्शंस या सबटाइटल्स, ताकि वो वीडियो में ही बर्न हो जाए। अब आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट पे। पोस्ट प्रोडक्शन में अभी तक आपने जितना भी वीडियो बनाया है उसे एक साथ रेंडर करते हैं। रिकमेंडेड है कि आप .h264 फॉर्मेट यूज कीजिए, जिससे कि आपका क्वालिटी हाई रहेगा मगर साइज लो। इसके बाद आप इसे वीडियो को अपलोड कीजिए करेक्ट चैनल्स पे। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखिए, टाइटल लिखिए और थंबनेल का इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कीवर्ड्स और टैग्स यूज कीजिए। पॉइंट्स रिमेंबर। पहला, एक क्लियर मैसेज दीजिए अपने वीडियो में। दूसरा, एक क्लियर कॉल टू एक्शन रखिए जो लोग वीडियो देखने के बाद करें। तीसरा, कैप्शंस इस्तेमाल कीजिए, आइदर ओपन कैप्शंस जो .srt फाइल में अलग से अपलोड कर सकते हैं या फिर क्लोज्ड कैप्शंस जो वीडियो में ही बर्न्ड होते हैं। चौथा, एक रेलेवेंट कीवर्ड अपने टाइटल और पहले दो लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन में रखें, इससे आपका रीच बढ़ेगा। अभी हमने देखा कि एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते कैसे हैं, अब देखते हैं कि इन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। पहला, इन्हें अपने वेबसाइट पे इस्तेमाल कीजिए, ये अबव द फोल्ड एरिया पे, जहां पे किसी को नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े वहां इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अपने ईमेल सिग्नेचर्स पे इस्तेमाल कीजिए। जब आप किसी को भी ईमेल सेंड करते हैं तो नीचे अपना सिग्नेचर हमेशा जाता है, वहां इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, अपने फेसबुक कवर पे इस्तेमाल कीजिए। जब कोई नए लोग आपके फेसबुक पेज पे आते हैं तो ये पहली चीज है जो वो देखते हैं, यहां इस्तेमाल कीजिए। चौथा, अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे ऑर्गेनिक फीड पे यूज कीजिए, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, विमियो, इन सब चैनल्स पे। पांचवा, आप
पेड मार्केटिंग में यूज कीजिए। छठवां, आप इसे आपके पिच इवेंट्स में इस्तेमाल कीजिए। और सातवां, आप अपने क्लाइंट को पिच करते वक्त इसका इस्तेमाल कीजिए। एक्सप्लेनर वीडियोस का इंपैक्ट कैसे मेजर करें या फिर एक्सप्लेनर वीडियोस से क्या एक्सपेक्ट करें? सबसे पहला, आपके वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज। दूसरा, आपके सोशल मीडिया चैनल से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक का डाइवर्ज होना। तीसरा, आपके पेड कैंपेन्स पे एक्शन। और चौथा, आपके बिजनेस के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जब आप पिच करते हैं। अभी हमने देखा कि एक्सप्लेनर वीडियो बनाते कैसे हैं और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के लिए कितना समय लगता है? इन जनरल एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के लिए 3 से 5 हफ्ते लगते हैं फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाइए ताकि आप अपडेटेड रहे हमारे लेटेस्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।